स्वामी जी आपको मेरा शशत नमन। प्रणाम बेटा। और यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को भी मेरा शशत नमन। मेरा नाम सोनल है। सोनल है। मुझे 2010 में कैंसर डिजीज हुआ था। 2010 में कैंसर हो गया। आज अब आठवां साल चल रहा है जी। हाँ, मैं जिस दिन से मुझे कैंसर हुआ उसके बाद में मैंने मेडिकल इलाज के साथ साथ है ना प्राणायाम भी शुरू किया, और उस दिन से लेके आज तक मैं कंटिन्यूस प्राणायाम कर रही हूँ। इससे मुझे बहुत शक्ति प्रदान हुई, और कैंसर की कीमोथेरेपी से जो भी साइड इफेक्ट्स होते हैं उनसे मुझे बहुत राहत मिली। नहीं, एक तो कैंसर के कारण से ना, जब कीमो करते हैं तो बाल पूरे झड़ जाते हैं, स्किन पूरी हॉट फ्लैशेस होने लगते हैं, पूरा शरीर एक तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है, पूरा सिस्टम ही बहुत बुरी हालत हो जाती है। इम्यूनो सेपरेशन करते हैं, उसमें इम्यून शक्ति को ना घटा देते हैं, और फिर वो कैंसर के जो है उससे लड़ने की जो है ताकत देते हैं। मैं स्वामी जी आप लास्ट ईयर आपके योगग्राम भी जाके आई हूँ। अच्छा, मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा, वहाँ का माहौल, वहाँ का सब कुछ देख के बहुत खुशी हुई मन। और अब कैंसर आप चेक करवाते हो तो? हाँ, मेरा सब कुछ ठीक है, मैं एकदम नॉर्मल। अभी 100% इसका कैंसर क्योर है, 100% सारी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल है। तो योगाग्राम भी चलेगी, वो भी धरती का स्वर्ग जैसा है। किस जगह का कैंसर हुआ था बेटा? मुझे रिप्स का, रिप्स में। रिप्स में? हाँ, ये तो और मतलब डेंजर होता है फिर वो। मेरी फिफ्थ और सिक्स्थ रिप्स नहीं है अभी। ओ, वो ये हालात हो जाते, एक के बाद फिर दूसरी जगह फैलता है, नहीं तो ये एक के बाद दूसरे ऑर्गन को चपेट में ले लेता है। और आज उससे कैंसर के ऊपर पूर्ण विजय प्राप्त करके सोनल खड़ी हैं। इस बेटी के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है, इसके हौसले के लिए भी। नहीं तो आदमी का ना वो हौसला ही हार जाता है, अरे अब तो कैंसर हो गया, अब तो मरना ही पड़ेगा। थोड़े बहुत इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे प्राणायाम के लिए मेरे हस्बैंड, जो अभी हाल ही में SDM हिंडौन के पद पर हैं, उनका बहुत बहुत सपोर्ट रहा, और मुझे सारा प्राणायाम उन्होंने ही सिखाया। अपने पति को ही गुरु बना लिया, बहुत आशीर्वाद है। शेर सिंह जी वो भी हमारे वॉलंटियर बन गए, योग शिक्षक बन गए, और उनको भी सिखाते रहते, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। हा? वो तो पहले से ही करते आ रहे थे, पर मुझे 2010 के पहले कोई भी योग का अनुभव भी नहीं था, कोई शौक भी नहीं था करने का, और मैंने कभी करा भी नहीं था। खुश रहो बेटा सोनल।